हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हेन ए पेशेंट रिटर्न फ्रॉम अंडरगोइंग ए कार्डियक कैथेटराइजेशन, इट इज मोस्ट असेंशियल फॉर द नर्स टू। एक पेशेंट है जो कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद आया है, तो नर्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? ए चेक पेरिफेरल पल्स, बी मेंटेन एनपीओ, सी अप्लाई हीट टू द इंसर्शन साइट, डी स्टार्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इमीडिएटली। आंसर इज चेक पेरिफेरल पल्स। कार्डियक कैथेटराइजेशन एक प्रोसेस है जिसका उपयोग हार्ट की स्थिति के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान एक लंबी पतली ट्यूब जिसे कैथेटर कहते हैं, ग्रोइन एरिया, नेक या आर्म में की आर्टरीज या वेन में डाली जाती है जो सीधी हार्ट तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट हैज बीन डायग्नोज विद बेल्स पाल्सी एंड आस्क व्हाट कॉजेज इट, द नर्स नो डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक पेशेंट है जिसको बेल्स पाल्सी डायग्नोज हुआ है, तो उसका क्या कारण है, इनमें से कौन सा एक सही है? ए बेल्स पाल्सी इज कॉज्ड बाय द चिकन पॉक्स वायरस, बी द कॉज इज अननोन, सी बेल्स पाल्सी यूजली फॉलो ए कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, डी ट्रोमा टू द एरिया ब्रिंग ऑन द सिम्टम्स। आंसर इज बी, द कोज इज अननोन। बेल्स पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे की एक तरफ की मसल्स कमजोर या लकवाग्रस्त हो जाती है। ये एक समय में चेहरे के केवल एक तरफ को प्रभावित करती है, जिससे यह उस तरफ कमजोर हो जाती है या कठोर हो जाती है। ये सेवंथ क्रेनल नर्व के किसी प्रकार के आघात या चोट के कारण होता है। सेवंथ क्रेनल नर्व को फेशियल नर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट पेशेंट इज एडमिटेड टू द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट फॉलोइंग एन अब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी, विच एक्शन शुड द नर्स टेक इनिशियली? ए असेस रेस्पिरेटरी फंक्शन, बी मॉनिटर आईवी फ्लूइड्स, सी चेक अब्डोमिनल एंड पेरिनियल ड्रेसिंग, डी अप्लाई एंटी थ्रोम्बो एम्बोलिक स्टॉकिंग्स। अब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी रेक्टल या एनस के कैंसर होने पर की जाती है। पेशेंट पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में आया हुआ है, तो आंसर जाएगा ए असेस रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन रेक्टल कैंसर या एनल कैंसर की सर्जरी है। अब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन के लिए प्रमुख इंडिकेशन रेक्टल कार्सिनोमा है जो रेक्टम के एक तिहाई भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? ए 0.45% NS, B D5 0.2% NS, C D5.45% NS, D 0.9% NS। आंसर इज D 0.9% NS। आइसोटोनिक फ्लूइड रिफर टू टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यह अवस्था किसी भी तरह सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बदले बिना मेम्ब्रेन में पानी के मुक्त आवागमन की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैज इंसर्टेड एन इनडवेलिंग कैथेटर इनटू एन एडल्ट मेल पेशेंट। The nurse
tape the urinary drainage tube laterally to the thigh for which of the following reason? A. To ensure patient comfort. B. To prevent reflux of urine. C. To maintain tension on the balloon of the Foley. D. To prevent compression at the penoscrotal junction. Answer is D. To prevent compression at the penoscrotal junction. Penoscrotal junction, scrotum और पेनिस के बीच का जॉइंट है, इसको पेनोस्क्रोटम जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट हु मे हैव ए हाइटल हर्निया, व्हाट सिम्टम्स इज द पेशेंट मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट। एक पेशेंट है जिसको हाइटल हर्निया हुआ है और नर्स उसके लक्षणों को ऑब्जर्व कर रही है। ए. Projectile vomiting. B. Crampsy lower abdominal pain. C. Burning sub-sternal pain. D. Bloody diarrhea. Answer is C. Burning sub-sternal pain. Hiatus hernia ऐसी condition होती है जिसमें पेट का एक हिस्सा diaphragm की muscles के माध्यम से ऊपर धकेलता है। प्रोट्रूजन ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजोक्सिन एंड फुरेसेमाइड आर ऑर्डर फॉर ए पेशेंट हु हैज कंजेस्टिव हार्ट फेलर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आल्सो एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर फॉर दिस पेशेंट। एक पेशेंट है जिसको डिजोक्सिन और फुरेसेमाइड दी जा रही है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर का पेशेंट है, तो नर्स को इनमें से क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? ए. पोटेशियम. बी. कैल्शियम. सी. एस्पिरिन. डी. कोमिडीन. आंसर इज पोटेशियम। डिजोक्सिन का ट्रेड नेम लेनोक्सिन है। कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने और रेट को धीमा करने के लिए आवश्यक रूप से डिजोक्सिन दिया जाता है। पोटेशियम की नॉर्मल रेंज 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। पोटेशियम सबसे प्रचुर मात्रा में इंट्रासेलुलर केटायन है, मतलब इंट्रासेलुलर पाया जाता है, और हार्ट और स्केलेटन मसल्स में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैज एन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर ए क्लींजिंग इनेमा, द पेशेंट विल बी प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन फॉर द प्रोसीजर। कोई पेशेंट है जिसको नर्स क्लींजिंग इनेमा लगा रही है, तो उसको कौन सी पोजिशन प्रोवाइड करनी है? ए प्रोन पोजिशन. बी डोर्सल रिकम्बेंट पोजिशन. सी लिथोटोमी पोजिशन. डी लेफ्ट सिंक्स पोजिशन। आंसर इज डी लेफ्ट सिंक्स पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स नोट डेट द पेशेंट हैज ए पल्स डेफिसिट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स? ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. बी टेक वाइटल साइन. सी एलिवेट द हेड ऑफ बेड. डी गिव एस्पिरिन। पल्स डेफिसिट मीन्स द डिफरेंस इन अ मिनट टाइम बिटवीन नंबर ऑफ बीट्स ऑफ हार्ट एंड नंबर ऑफ बीट्स ऑफ पल्स ऑब्जर्व इन डिजीज ऑफ हार्ट। आंसर इज एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डेट इज अटैच्ड टू द लो सक्शन, द नर्स मोनिटर द पेशेंट नोविंग डेट द पेशेंट इज एट रिस्क फॉर विच एसिड बेस डिसऑर्डर। एक पेशेंट है जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है और उसका सक्शन हो रहा है, तो नर्स पेशेंट को कौन से एसिड बेस बैलेंस के लिए ऑब्जर्व करेगी? ए
metabolic acidosis, B metabolic alkalosis, C respiratory acidosis, D respiratory alkalosis. Answer is metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis एक metabolic condition है जिसमें टिश्यू का pH normal level से अधिक हो जाता है. Normal level होता है 7.35 से 7.45. इससे टिश्यू का pH level अधिक हो जाता है. यह इसलिए होता है क्योंकि H plus आयन का concentration कम हो जाता है और bicarbonate आयन में वृद्धि हो जाती है, या अल्टरनेट रूप से इंक्रीज बायोकार्बोनेट कंसंट्रेशन का प्रत्यक्ष परिणाम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए चाइल्ड विच फॉल इन द येलो कलर ऑफ ग्रोथ चार्ट इंडिकेट ए नॉर्मल वेट ऑफ एज, बी एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इन अंडर वेट क्राइटेरिया, सी अंडर वेट, डी ओवर वेट. एक पेशेंट है जिसका वेट येलो कलर ऑफ ग्रोथ चार्ट से क्या बताता है. आंसर इज बी एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इन अंडर वेट क्राइटेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मदर ब्रिंग हर 3 week ओल्ड इन्फेंट टू ए क्लिनिक फॉर ए फिनाइल कीटोन यूरिया री स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट. द टेस्ट इंडिकेट ए सीरम फिनाइल एनालिन लेवल ऑफ 1 mg पर डीएल. द नर्स रिव्यू दिस रिजल्ट एंड मेक्स विच इंटरप्रिटेशन. एक मदर है जो अपने 3 सप्ताह के बेबी को क्लिनिक पर लाइए और फिनाइल कीटोनूरिया की री स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट करवाया है. ब्लड टेस्ट का रिजल्ट 1 mg पर डीएल आया है, तो रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है. ए इट इज़ पॉजिटिव, बी इट इज़ नेगेटिव, सी इट इज इनकन्वल्सिव, डी इट रिक्वायर री स्क्रीनिंग एट एज 6 weeks. आंसर इज इट इज नेगेटिव. फिनाइल कीटोन यूरिया यानी कि PKU मेटाबॉलिक की एक कंजेनाइटल एरर है जिसके परिणाम स्वरूप अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है. ब्लड में फिनाइल एलेनिन का नॉर्मल लेवल 2 mg पर डीएल से कम होता है. ब्लड में फिनाइल एलेनिन के 4 mg पर डीएल से अधिक मतलब है कि बच्चे में फिनाइल कीटोन यूरिया है. अनट्रीटेड फिनाइल कीटोन यूरिया ब्रेन डिमेज करता है, बौद्धिक अक्षमता करता है, बिहेवियरल संबंधी या सीजर पैदा करता है. थैंक यू.